खबर शामिल करते हैं टंडू आदम से। जमात इस्लामी टंडू आदम के वफद की टंडू आदम तहरीक की जानिब से समाजी बुराइयों के खिलाफ लगाए गए कैंप में आमद। तहरीक के चेयरमैन शाख जहान जोनेजो से मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक जमात इस्लामी टंडू आदम के वफद की ज़िलाई नायब अमीर और साबिक यूसी नाजम मुश्ताक अहमद आदिल की क्यादत में टंडू आदम तहरीक की जानिब से शराब नशियात जुआ गुटका मावा और फाशी के अड्डों के खिलाफ लगाए गए एहतियाती कैंप में टंडू आदम तहरीक के चेयरमैन शाहजहां जोंजो से मुलाकात की। वफद में अब्दुल गफूर अंसारी, हाजी नूर हसन, अब्दुस्तार अंसारी, इमरान अजीज गौरी, अब्दुल रहमान, सैयद अरीफुल्ला, हाजी रशीद अहमद और दीगर मौजूद थे। चेयरमैन और उनके दोस्तों ने जिला सांगाड़ और खुसूसन तालुका टंडू आदम बढ़ती हुई मनशियात का जिस तरह से इस शहर में गलबा हुआ जाता है और जिस तरह से हर इलाके में सफीना गुटका मावा और इसके अलावा दीगर जो क्राइम हैं जिसमें मुख्तलिफ ज़राए से जुए की जो एक वबा है उसको आम किया जा रहा है, क्राइम के खिलाफ जान तौर पर हाल करें और आज गुज़श्ता मेरा ख्याल 10 दिन से ज़्यादा अरसा गुजर गया है कि यहाँ बैठे हुए हैं। शहर की मुख्तलिफ तंजीमें, समाजी तंजीमें भी, सियासी तंजीमें भी इनके पास आई हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी किया और अपने ताउन का यकीन दिलाया है कि आपने जो अलम बुलंद किया है कि अपने इलाके से मनशियात फरोशों को, मनशियात के अड्डों को और जो जुआ आ रहा हो रहा है जिससे आने वाली नस्ल की तबाही यकीनी है, आपने दर्द को महसूस करकर जो इकदाम किया है हम जमात इस्लामी की तरफ से आपके इस इकदाम की भरपूर हिमायत करते हैं। क्योंकि जमात इस्लामी का मकम नज़र और रसूलैन ये है कि वो इस मुल्क से इन तमाम बुराइयों को ख़त्म करना चाहती है और यहाँ पर एक ऐसा इस्लाही निज़ाम लाना चाहती है कि जिसके नतीजे में गरीब का बच्चा भी अच्छी तालीम हासिल कर सके और सबको उनके हुकूक मिल सकें।